हल बटे हल 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 बटे हल हल बटे हल 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 बटे हल हल हेलो हेलो जय बाबा की भजन सभी स्वागत। कृपया सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। जय हो बाबा। श्री बाबा रामदेव। इंतजार ऐसे हमारे भाई सुशील गोपाल जी बजाज, जिनकी मधुर वाणी से हम और आप इस जम्मे जागरण में श्रवण करेंगे उनकी मधुर वाणी को। रामदेव जी महाराज को मनाते हुए एक बार फिर ऐसा हो गया था, कुछ कार्यक्रम बाकी था तो इसलिए थोड़ी देरी हो गई। खैर कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए, बाबा का दरबार आपको मिला है और अब कोई विघ्न नहीं होगा। आप हम और रामदेव जी महाराज का दरबार आइए, बड़ी मस्ती के साथ बड़े विश्वास के साथ अपनाते हैं इस जम्मे जागरण की बेला को, जो आपके भक्ति की परिकाष्ठा को छूने में आपकी जरूर मदद करेगी। हेलो, डोंट वरी, बोल हरी। बाबा का दरबार आपको मिला है, ये जोत जग चुकी है, आइए वंस टाइम हमेशा की तरह। मैं सुशील बजाज, सुपुत्र श्री गोपाल जी बजाज और मेरे साथ हैदराबाद से पधारी मेरी ये टीम आप सभी भक्तों का हार्दिक नमन करती है, हार्दिक अभिनंदन करती है, हार्दिक हार्दिक जय बाबा की। और साक्षात दरबार से बनाते हुए एक बार मेरे साथ अपने दोनों हाथ उठाइए ऊंचे ऊपर और बड़ी मस्ती से जयकार लगाएं इस दरबार को बनाते हुए। बल द्वारिकाधीश भगवान की, बल रामराज कवार की, बल सज्जन दरबार की। ताली ताली
सम्मान्य मूलचंद जी भाट, मूलचंद जी भाट साहब आपसे निवेदन है, कृपया मंच पे आए। बाबा के सांचे दरबार में उपस्थित सभी भक्तों का हार्दिक हार्दिक स्वागत। मूलचंद जी भाट साहब आपसे निवेदन है, कृपया मंच पे आए। साथ ही यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तों का श्री बाबा रामदेव सोशल ग्रुप व रामदेव बाबा मंदिर थिरगांव भोसरी के तत्वाधान में ये कार्यक्रम का आयोजन, बड़े ही खुशी की बात। तो आए हुए सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। सोशल ग्रुप की बड़ी प्यारी परंपरा, स्वर्गीय गोपाल जी बजाज जो भजन सम्राट उनके सुपुत्र, उनकी परंपरा को शुरू रखते हुए उन्हीं की पूरी टीम, जिनको बड़े आदर और भाव के साथ हम और आप सभी देखते हैं, उनके माध्यम से यहाँ पर इस जम्मे का आयोजन पिंपरी चिंचोड़ शहर के अंदर बड़े ही खुशी की बात है। और हर साल इस कार्यक्रम की परंपरा ऐसे ही शुरू रहेगी।
जिसकी परंपरा हमारे अध्यक्ष महोदय बता रहे हैं, 100 मेंबरों को यहाँ पर किया जाएगा, जिनके माध्यम से हर वर्ष जम्मा जागरण का कार्यक्रम सिर्फ सुशील भाई बजाज का ही कार्यक्रम होगा वो। तो यहाँ पर उपस्थित मैं चाहूँगा भाई हमारे मूलचंद जी भाट जो बाबा के परम भक्त हैं, जब तक हमारे भाई सुशील जी बजाज पूजा पाठ करके उस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, तब तक मैं बताना चाहूँगा हमारे सभी भाइयों को, श्री बाबा रामदेव सोशल ग्रुप की तरफ से यहाँ पर आजीवन सदस्य बनाए जाएंगे सोशल ग्रुप के माध्यम से। हर महीना 500 रुपये के हिसाब से 12 महीने के 6000 रुपये होते हैं, और जम्मा समिति को आप सभी भक्तों के जो 100 मेंबर रहेंगे उनके माध्यम से वो धनराशि महीना भर पहले जमा आप समिति के पास करेंगे। आपके लिए एक जो धनराशि जिसमें जमा की जाएगी, एक कुंजी बॉक्स ऐसा दिया जाएगा जिसमें हमारी माताएं बहनें जो बाबा के भक्त हैं उसमें हर महीने के हिसाब से उसमें जमा राशि करें, जिससे कि ये जम्मे का कार्यक्रम हर साल हम और आप श्रवण कर सकें, ऐसी योजना है श्री बाबा रामदेव सोशल ग्रुप की तरफ से यहाँ पर की जा रही है। मैं चाहूँगा इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग उसमें भाग लें और पुण्य कमाएँ, जिससे कि ये हर वर्ष नगरी में हमारे नगर में ऐसा ही काम हो। मैं भाई सुशील जी बजाज यहाँ पर निमंत्रण करूँगा, कृपया आएँ, अपना सम्मान स्वीकार करें। निवेदन करूँगा भाई हमारे बाबजी सुभाष बाबजी कर्नावट जी से कि आप हमारे सुशील बजाज इनका सम्मान करें, भजन सम्राट सुशील जी बजाज। ऐसे ही आपके माध्यम से चारों तरफ बाबा की जय जयकार करते रहे, परंपरा इनके पीछे हमारे आदर स्थान गोपाल जी बजाज, उनके बाद उनके सुपुत्र बढ़िया रामा राज कवार की जय हो। इसके उपरांत सम्मान्य श्याम भाई गीलड़ा जी, मैं निवेदन करूंगा अध्यक्ष जी से, सम्मान्य श्री अनिल जी भांगड़िया जी से कि हमारे श्याम भाई गीलड़ा कृपया सामने आए। इनका बड़ा ही संयोजन गोपाल जी बजाज के सामने से लेकर अब तक इनका यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है। ज्ञानचंद जी भाट और मूलचंद जी भाट आपसे निवेदन, कृपया आगे आए। पंडित जी का यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है, आदरणीय पंडित जी महाराज एक मिनट के लिए आए सिर्फ। बड़े प्यार से जिन्हें गोपाल जी बजाज गुलाब जामुन कहते थे, ऐसे हमारे पंडित जी का यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है। आदरणीय मूलचंद जी भाट आइए पंडित जी महाराज, सिर्फ एक मिनट के लिए जल्द से जल्द आए, क्योंकि वैसे ही समय हो चुका है ज्यादा, शनिदेव जी और ज्यादा समय ना हो इसलिए हम आपको देख के डर रहे हैं, जल्द से जल्द शुरू करवाते हैं। आदरणीय पंडित जी का सम्मान यहाँ पर हमारे मूलचंद जी भाट साहब, भोसरी मंदिर इनके माध्यम से बड़ा ही भव्य मंदिर बनाया गया है उसके तत्वधान में, और आपको जानकर खुशी होगी इनका विशेष सहकार है बाबा के इस जम्मे में। और इसके बाद मैं हमारे ज्ञानचंद जी भाट इनसे निवेदन करूंगा कि सम्मानीय श्री पार्थो भाई तबला वादक इनका यहाँ पर सम्मान करें। सम्मानीय वर्मा जी, धनराज जी आपसे निवेदन, कृपया हमारे ढोलक वादक भाई भैया जी अहमद, क्या बात है, बड़ी बात है। नईम भाई का पहले सम्मान किया जाएगा, नईम भाई का, धनराज जी नईम भाई, देखिए ये भी तो बड़ा प्यार है, अच्छी बात है नईम भाई। इसके बाद निर्मल वर्मा, इनके करकमलों द्वारा भैयाज भाई का सम्मान किया जा रहा है। अनिल जी लखन, इनके करकमलों द्वारा हमारे भाई पैड वादक भाई मिठुंदा, इनका सम्मान किया जा रहा है। हमारे ऑर्गन वादक सम्मान्य श्री किशन जी, इनका सम्मान हमारे अध्यक्ष अनिल जी भांगड़िया इनके हाथों हमारे किशन भाई का सम्मान किया जा रहा है। और कन्हैया जी का सम्मान हमारे ज्ञानचंद जी भाट इनके करकमलों द्वारा, ज्ञानचंद जी भाट के करकमलों द्वारा कन्हैया साक्षात श्री कृष्ण कन्हैया लाल की याद दिलाता हुआ इनका नाम, इनका सम्मान यहां पर किया जा रहा है। जल्द से जल्द हमारे कन्हैया जी का सम्मान करें। अनिल जी, ज्ञानचंद भाई जल्दी आइए। Thank you.
आज के जो यजमान हैं सम्मान्य श्री ललित जी रुणवाल साहब और घनश्याम जी वर्मा साहब, इनका और अशोक जी शर्मा, इनका सम्मान अशोक जी शर्मा इनके हाथों से होगा। शर्मा जी आइए, सामने आइए, आपका भी सम्मान किया जा रहा है। कृष्णा जी का भी सम्मान हमारे वर्मा जी इनके करकमलों द्वारा होगा। सन्माननीय घनश्याम जी, इनका भी सम्मान यहां पर किया जा रहा है। भाई कृष्णा जी का सम्मान, सहगायक कृष्णा जी का सम्मान किया जा रहा है यहां पर। निर्मल जी वर्मा इनके करकमलों द्वारा भाई कृष्णा जी का। और आइए शुरुआत करते हैं बाबा के नाम की जय जयकार की। हमारे भजन सम्राट जिनकी परंपरा को शुरू रखा, याद कीजिए आज के दिन हमारे गोपाल जी बजाज जी को। और मैं चाहूंगा और सब भक्त चाहते हैं आपकी वाणी से हम सबको मंत्रमुग्ध करें, और सभी मान्यवरों से जितने भी खड़े आनंद लें बाबा के जम्मे का। बोलिए राम सा पीर भगवान की जय। बाबा की जय। बाबा की जय। बाबा राजेश भाई धन्यवाद, सोशल ग्रुप धन्यवाद, भाट परिवार का भोसरी मंदिर, अब्बा क्या बात है। यहाँ आने से पहले मैं वहीं जाकर आया, रामदेव जी महाराज की आरती करने का मुझे सौभाग्य मिला। बड़ा चमत्कारी दरबार है और बड़ी चमत्कारी स्थली पर हम बैठे हैं। आपके बिल्कुल बगर में रामदेवरा सजा हुआ है, भोसरी मंदिर जो पिछले 4-5 साल से महक रहा है। और मौका मिला आप सबको भी भोसरी मंदिर के सभी भक्तों के साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने का। और आइए समय और नहीं गंवाते हुए रामदेव जी महाराज की जय जयकार के साथ प्रारंभ करते हुए रामदेव जी महाराज का जम्मा। हाँ 1 2 3 4